गेम ओवर, हम निकलते हैं यहाँ से। यकीन नहीं हो रहा कि हम इतनी ठंड में जीत गए। आइंस्टाइन डोमिनेट कर रहे थे। हाँ, अगर साथ में ब्लॉक ना होता तो हमारी हालत खराब हो जाती। काश उन्होंने उसकी पहनी हुई टी शर्ट फाड़ दी होती। वो मेरे बालों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बात है गाइस, ये तो बुरी खबर है डूड। दुबई में टेम्परेचर 40 degrees है। सुल्तान्स को गर्मी की आदत है। पता है उनके देश में कोई उनको नहीं हरा सकता। कम ऑन, हमने आइंस्टाइन को सर्दी में हरा दिया, सुल्तान्स को गर्मी में हरा देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हम वो मैच नहीं खेलेंगे। सुपर लीग एक्सट्रीम कंडीशंस क्लॉज, अगर टेम्परेचर 35 degrees से ज्यादा हो तो मैच पोस्टपोन कर सकते हैं। कम ऑन कोच, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हल्की सी ठंडक भी है कोच। कोशिश अच्छी थी शेक्स। गेम पोस्टपोन करेंगे। लेकिन हम इतनी दूर आए हैं, फैंस को कितना बुरा लगेगा। रुको कोच, आपको कहीं से गलत जानकारी मिली है, क्योंकि दुनिया के सबसे बहादुर वेदरमैन सनी हेलस्ट्रॉम की प्रेडिक्शन काफी अलग है। अगर आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो कल सुल्तान्स वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स गोलायथ स्टेडियम में देखेंगे, तो वहाँ टेम्परेचर 25 degrees होगा। रुको क्या, पहले तो 40 अब था। 25 हो गया है। मेरी बात मान लो। वो हमेशा यही कहते हैं। सनी हेलस्ट्रॉम, वो मीटियोरोलॉजिस्ट है भी या नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसकी बात सुनी जाए। वैसे उनकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती। वो किसी चीज से नहीं डरते। हाँ ये देखो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, घर में रहिए, ये आंधी, ये तूफान, ये समंदर बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में वही बाहर निकलेगा जो पागल होगा या फिर लेजेंड होगा। लेजेंड सर फिरा। इसे कहते हैं होम ग्राउंड के एडवांटेज। गोलायथ में सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत है। बाल खराब हो रहे हैं। मेरे बाल इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे। आप बालों की फिक्र मत कीजिए मिस्टर मैटाडोर। आप मुझसे सहमत होंगे शेख, 40 degrees फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा है। पर हमें गेम को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ और इंतजाम किए हैं। पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन्ड है। सनी सही थे, शायद वो सरफिरा नहीं है। पर उन्हें पता कैसे चला होगा? ये जानना मेरा काम है। सनी हेलस्ट्रॉम एट योर वेदर सर्विस। सनी हमारे पहले एयर कंडीशन्ड मैच के दौरान टेम्परेचर पर नजर रखेंगे। वो मुझे पता था तुम सनी के फैन बन जाओगे शेख। वो नहीं बुद्धू, ये गोलायत कमाल का है। अब आपको थोड़ा घुमा दे। क्यों नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। गोलायथ स्काई ट्रेन में आपका स्वागत है। आप आर्च टूर पर हैं। जाइंट कॉक्स रूफ को बंद कर देते हैं, जिससे गोलायथ पर रेगिस्तान की गर्मी का कोई असर नहीं होता। हमारे हाईली ट्रेन टेम्परेचर क्यूरेटर्स हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम को लगातार मॉनिटर और मेंटेन करते हैं। आर्च में लगी हॉट और कोल्ड एयर डक्ट से हम वो टेम्परेचर क्रिएट कर पाते हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए परफेक्ट होता है। बिल्कुल वैसा जैसा मैं और मेरे बाल चाहते थे। बिल्कुल, ऐशो आराम की हाइट होती है कंट्रोल। क्या बात है, मजा आ रहा है। माफ करना, मैं नए मेहमानों के साथ हमेशा ऐसा करता हूँ। इस तरह दुनिया के सबसे शानदार स्टेडियम को ऊपर से देखने का मौका मिल जाता है।
तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं शेक्स, मुझे अभी भी उन खतरनाक तूफानों से डर लगता है, पर अगर डर का सामना ना करो तो वो बढ़ जाता है। क्या टूर था, इस स्टेडियम की बात ही कुछ अलग है। शेख आप हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। हाँ, पर अब गोलायत को और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे। कितना सुंदर है ये। सच में ऐश और आम की हाइट है कंट्रोल। कल मैच में मुलाकात होगी सुपर स्ट्राइकर्स। ब्लैक स्टेडियम में मैच का दिन। शेक के नए एयरकॉन सिस्टम के साथ पहला मैच। मैच के दौरान टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ मौजूद है दुनिया के सबसे बहादुर वेदरमैन सनी हेलस्ट्रॉम। आप उसके फैन हैं? नहीं, मीडियम साइज का कह सकती हो। अब याद रहे, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो इस मैच को रोक दिया जाएगा। ये इसके जबरदस्त कूलिंग सिस्टम का कमाल है कि गोलायत का टेम्परेचर कंफर्टेबल 25 डिग्रीज है। मेरी बात मान लो। क्या सुल्तान मैच के शुरू में ही कुछ कमाल दिखा पाएंगे? हाँ? सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उन्हें रोक देगा। ब्लॉकिंग के प्रेशर में भी बिल्कुल शांत है। मैन इन रेड को मिडफील्ड में एक मौका मिला। शानदार शॉट। गोलायत की कंडीशन दोनों टीम्स को बराबर का मौका दे रही है। जैसे जैसे फर्स्ट हाफ बढ़ रहा है, विजिटर्स की गेम पर सुस्ती छाने लगी है। बर्गर बर्गर। हाँ, अब और बिल्कुल भी नहीं सहा जा रहा। मेरे बालों से ये और नहीं सही जा रही है। ये क्या हो रहा है रेफ? टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा है। एक और रीडिंग प्लीज मिस्टर हेलस्ट्रॉम। ये अभी भी कंफर्टेबल 25 डिग्री है दोस्तों। पहले से थोड़ा ठीक तो लग रहा है। ठंड से बैंड बज रही है कोच, या फिर हार से? मुझे यहाँ गोलायत में अच्छा लग रहा है। कैसी बात कर रहे हो, हम 1-0 से पीछे हैं। हाँ तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि गोलायत का कूलिंग सिस्टम वैसा नहीं है जैसा बताया गया था। हाँ, अब समझ में आया उसको एयरकॉन क्यों कहते हैं। ओह, देखो मेरा शानदार एयर कंडीशन स्टेडियम। क्या वो हमें बेवकूफ समझते हैं? बहुत हो गया, मैं उस कंट्रोल रूम में जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता शेक्स, रेफरी ने फैसला सुना दिया। तुमने खुद ही तो कहा था शेक्स, हम गर्मी में सुल्तान्स को नहीं हरा सकते, पर हम साथ तो रह सकते हैं। हाँ, पर मैंने सुना है साथ रहने से ज्यादा गर्मी लगती है। बहुत गर्मी है। सुनो मिरर, मुझे ये बताओ कि किसके बाल है सबसे सुंदर। एल मैटर। शेक्स ब्रदर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपना शौर चलता छोड़ आए हो। मैं शेक्स का थोड़ा सा शिमर मूस ले लेता हूँ, वैसे भी उसके बालों का कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रेक के बाद सुपर स्ट्राइकर्स जोश में हैं। पर क्या ये जोश बरकरार रहेगा? ये सब क्या है शेख, आपने पीछे क्या छिपाया है? ये तुम क्या कर रहे हो शेक्स, उन्हें भूल जाओ। नहीं कैप्टन, मैं समझ गया हूँ, ऐशो आराम की हाइट होती है कंट्रोल। तुम क्या कह रहे हो शेक्स? वो शेख, वो हाँ
भाग रहे हैं। शेक्स रुको, वार्म अप कर लो क्लाउस। पर मैं तो पहले ही वार्म हूँ। तो फिर मैदान पर जाओ। बहुत चालाक हो शेक, अपनी टीम को फायदा पहुंचाने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो। मैं समझा नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो शेक्स? अब आप उसे कम कर देंगे और सनी हमें बताएगा कि वो अभी भी कंफर्टेबल 25 डिग्रीज है। आह, तुमने मुझे पकड़ लिया, पर बदकिस्मती से अब तो कंट्रोल मेरे हाथ से निकल चुका है। जितना सोचा था उससे ज्यादा बहादुर निकला। 40 डिग्रीज, आप पागल हो गए हैं? आपने कहा था वो 25 रहेगा। गारंटीड। अब एक और गड़बड़ हो गई है, वो रिमोट कंट्रोल शेक्स के पास है। जाहिर है वो टेम्परेचर कम कर देगा। आपको लग रहा है वो उसे 25 पर रखेगा? प्लीज, वो उसे 21 पर रखेगा। हो सकता है कि 19 भी कर दे। आप एक्सपोज हो जाएंगे, एक धोखेबाज। दुनिया हंसेगी। मेरी इज्जत का क्या? मेरी बात मान लो। कम ऑन शेक्स, हम ये अब भी जीत सकते हैं। गोलायत स्काई ट्रेन में आपका स्वागत है। यस। आप एक रोलर कोस्टर टूर पे हैं। जितना सनी बता रहे हैं गर्मी उससे कुछ ज्यादा ही है मैक। मुझे भी ऐसा लग रहा है ब्रेंडा। वैसे गर्मी सुल्तान्स को सूट करती है। यस। ओके, अब अच्छे से खेलो। चलो दोस्तों, दिखा देते हैं अपना कमाल। यस, ये काम कर रहा है। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी खोलो शेक्स, मुझे अंदर आने दो। थैंक यू। वो बेवकूफी थी। बेवकूफी? और तुम गलत टेम्परेचर रीडिंग्स में शेख का साथ देने को क्या कहोगे? प्लीज, मैं गलत रिपोर्ट देकर अपनी रेपुटेशन को कभी दांव पर नहीं लगा सकता। पर अब जब तुम और शेख ये बेवकूफियां कर रहे हो, मेरे पास कंट्रोल अपने हाथ में लेने के अलावा और कोई चारा नहीं। अभी तक की गेम एक रोलर कोस्टर जैसी रही है मैक। और अब सुपर स्ट्राइकर्स के कुछ क्लासिक मूव्स। एक कर लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स बड़ी आसानी से खेल रहे हैं। समर खत्म हुई शेक्स। और इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है। ये लो, जाओ पकड़ो अपना कंट्रोल। तुम
दुनिया ने तुम पर भरोसा किया सनी, और इसीलिए मैं चाहूंगा तुम अच्छे बच्चे बनकर वो कंट्रोलर मुझे दे दो अभी। यकीन नहीं होता कि लोग मौसम की जानकारी के लिए तुम पे भरोसा करते हैं। तुम सबसे बेकार वेदरमैन हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो? तुम्हें कुछ सुनाई दिया? जैसे कोई बहुत दूर से हेल्प के लिए बुला रहा हो। ना पता है तुम मेरे बारे में गलत हो। लोग सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं चाहते शेक्स, वो जानना चाहते हैं कि वो ठीक है। आंधी, तूफान, तेज बारिश, आखिर में वो बस ये जानना चाहते हैं कि वो सेफ है। और इसलिए मैं सिर्फ एक वेदरमैन नहीं हूँ, मैं लोगों के मन को शांति देता हूँ। ठंड लग रही है ब्रेंड, या सर्दी बढ़ रही है? मैम, बर्फ गिर रही है। आओ अब इसे खत्म कर देते हैं। इस ब्लॉक को मेरी वेदर रिपोर्ट्स लोगों को खुशी देती है शेक्स, और फुटबॉल खेलने वाला कोई छोटा मोटा प्लेयर उसको नहीं बदल सकता। भाषण बंद करो सनी। तुम क्या कर रहे हो शेक्स? जानते हो डर की खासियत क्या है? अगर उसका सामना ना करो, नहीं नहीं शेक्स, नहीं, तो वो बढ़ जाता है। के लिए बहुत देर से बहुत कम सुपर स्ट्राइकर्स। लेजेंड, नहीं नहीं नहीं। टनल में जाओ। रोक सकते हैं? सिर्फ डोम के खुलने पर रुकेगा। तो फिर खोल दीजिए। इस वजह से ये मैच पोस्टपोन किया जाता है। पर वो स्कोर बोर्ड आपने वो कैसे? पता है यहाँ क्या कहते हैं? ऐशो आराम की हाइट होती है कंट्रोल। वैसे एक अच्छी चीज हुई है शेख, आपकी गोल्फ कार्ट बिल्कुल सलामत है। हे गाइस, तो किसी ने सनी को देखा क्या? हाय फोक्स, शायद मेरी रीडिंग थोड़ी सी गलत थी। पर जो भी हो, उस तूफान ने मैच थोड़ा और दिलचस्प बना दिया। तुम सबसे बेकार हो। सबसे बेकार। रुको,
खत्म हो गया। मेरी बात मान लो। मैंने कहा था ना दोस्तों। ओके गाइस, निकलते हैं यहाँ से। गर्ल 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 गर्ल